हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी तक इसके पहले हम लोग स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, स्थिर बिंदु आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम मूविंग पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, गतिमान बिंदु आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस गतिमान बिंदु आवेश के तहत हमारा पहला चैप्टर होगा गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके तहत हम शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से। ध्यान दीजिए, हम भारतवर्ष के एक राज्य उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी में रहते हैं। हमारे इस प्रदेश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की ये जमीनें भी हैं। कुछ जमीन बहुत उपजाऊ होती है और कुछ जमीन कम उपजाऊ होती है। आप अपने घर गांव में चर्चा करें तो वहाँ ये पता चलेगा कि जो जमीन कम उपजाऊ है उसको साधारण भाषा में कह देते हैं कि यह ऊसर है। आप कहीं भी ऊसर में जाएं तो जहां जहां आप पैर रखेंगे वहां आपका पैर थोड़ा धंस जाएगा, दब जाएगा, अर्थात ऊसरीली जमीन की जो मिट्टी होती है वो उभरी हुई होती है, उठी हुई होती है और मुलायम होती है। उदाहरण आपको एक और इसी के साथ लें, जैसे अपने यहाँ देखिए घर गांव में मकान बने हैं। कुछ मकान ऐसे भी होते हैं जिनकी दीवार नीचे से धीरे धीरे कटने लगती है, उस पर सफ़ेद रंग का स्पॉट धब्बा पड़ता है, तो लोग हाथ से उसको ऐसे छूते हैं और ये देखते हैं, कहते हैं अरे इस दीवार में तो लोना लग गया है। आप सुने होंगे प्रायः, वो लोना करता क्या है? वो लोना आप देखिए हाथ में लगाएंगे तो लग जाएगा, वो मुलायम मिट्टी की तरह होता है। और करता क्या है? वो धीरे धीरे ईंट को काट देता है, दीवार छीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो जिस प्रकार वह लोना देखिए लगभग सफ़ेद भूरे रंग का होता है, ठीक उसी प्रकार वो जो उसरीली मिट्टी ऊसर है उसकी भी मिट्टी इसी लोना की तरह सफ़ेद रंग की होती है। तो आप जब पैर रखते हैं तो आपका पैर दब जाता है, धंस जाता है। भैया उस सफ़ेद मिट्टी को, जैसे हम इसको लोना कह रहे हैं, वैसे उस ऊसर वाली सफ़ेद मिट्टी को हम
रेह कहते हैं। आप अपने घर में अपने बुजुर्गों, दादा दादी जो भी हों, उनसे आप चर्चा करें कि आप रेह देखे हैं सुने हैं, तो तुरंत आपको बताएंगे। लेकिन आपसे ये भी बताएं, उस रेह में एक विशेष गुण पाया जाता है। भैया उस रेह का विशेष गुण है कि वह मैल को काटता है, मैल साफ करता है। हम लोग तो किसान हैं, अपने यहाँ ये पैसा तो होता नहीं है, तो ये नहाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए तो साबुन आप खरीद कर ला नहीं पाते। तो लोग करते क्या थे कि अपने सिर को धोने के लिए बाल में वही रेह लगा देते थे। ठीक उसी प्रकार से आपको कपड़ा साफ करना हुआ तो वह कपड़े में भी जैसे आप साबुन लगाते हैं वैसे रेह लगा करके उसको रख देते थे, और कुछ देर बाद उसको पानी से धुल देते थे और कपड़ा साफ हो जाता था। यह आप चर्चा, हमने जैसे कि कहा कि आप अपने दादा दादी जो भी बुजुर्ग हों उनसे कीजिए, तो या तो किए होंगे या सुने होंगे, या अपने वो पितामह से सुने होंगे, दादी से सुने होंगे, तो आपको उस बारे में बताएंगे। आप चर्चा जरूर कीजिए। तो भैया उस ऊसर की मिट्टी जिसको हम रेह कह रहे हैं में ये विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। लेकिन जब आप उनसे चर्चा करें, कहेंगे हाँ साफ तो होता था लेकिन कम साफ होता था, अर्थात उस रेह में मैल साफ करने का गुण तो था लेकिन उतना साफ करने का गुण नहीं था जितना कि हम ये साबुन से कपड़ा धुलते हैं साफ हो जाता है, साबुन से बाल धुलते हैं साफ हो जाता है, शैम्पू से बाल करते हैं साफ हो जाता है। रेह साफ तो करता है लेकिन इतना साफ नहीं करता, माने इसमें ये गुण तो पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। अब तो समझ गए। तो ठीक वही स्थित है भैया कि जैसे ये अपना स्थान है उत्तर प्रदेश, ये कहाँ है, एशिया का एक देश है भारत, भारत का ये राज्य है उत्तर प्रदेश। तो ठीक वही स्थित है कि एशिया माइनर में स्थित एक स्थान है मैग्नीशिया। ये मैग्नीशिया जैसे ये अपना इंडिया है भारत है, वैसे ही ये मैग्नीशिया स्थान है। वास्तव में यह आजकल पश्चिमी टर्की में स्थित है। अब आजकल इस मैग्नीशिया का नाम मनीषा रखा गया है। पश्चिमी टर्की में है ये, इसका नाम क्या रखा गया, मनीषा। तो एशिया माइनर में स्थित मैग्नीशिया जो कि आजकल पश्चिमी टर्की में स्थित है और इसका आधुनिक नाम मनीषा है,
ठीक, वहाँ अपने इसी उत्तर प्रदेश में ऊसर की रेह की भांत एक काली चट्टान पाई जाती है। एक काली चट्टान, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में ऊसर में रेह पाई जाती है, उसी प्रकार वहाँ मैग्नीशिया नामक स्थान में ये काली चट्टान पाई जाती है। रेह का हमने विशेष गुण आपसे बताया कि यह मैल काटती है, मैल को साफ करती है, उसी प्रकार यह काली चट्टान में भी एक विशेष गुण होता है, यह लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, हमने आपसे कहा कि अपनी रेह मैल को साफ करती है, वैसे यह काली चट्टान लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इसे हम मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण मैग्नेट कहते हैं। इसे हम मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण मैग्नेट कहते हैं, चुंबक कहते हैं। इसी काली चट्टान को हम चुंबक कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट क्यों कहे? क्योंकि यह मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया गया, इसीलिए इसे मैग्नेट कहा गया। ध्यान दीजिए, इस मैग्नेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुक्रेटियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। मैग्नेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुक्रेटियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आइए और आगे चर्चा करें। तो इस काली चट्टान को हम चुंबक कहते हैं। यह लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्यान दीजिए, यह जैसे रेह अपने आप पैदा होती है, उसे पैदा कोई नहीं करता, वो प्रकृति उसको पैदा करती है, वैसे ही ये मैग्नीशिया में काली चट्टान अपने आप पैदा हो जाती है, इसे कोई पैदा नहीं करता, ये प्रकृति में पैदा होती है। तो प्रकृति में पैदा होने के कारण इसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। चूँकि यह काली चट्टान प्रकृति में पैदा होती है, इसीलिए हम इसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट,
प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो अभी तक आपने कितना सुना, ध्यान दें, आपने बताया कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर, जो कि आजकल पश्चिमी टर्की में है, मनीषा इसे कहा जाता है, मैग्नीशिया ये पश्चिमी टर्की में है, आजकल इसका नाम मनीषा हो गया है आधुनिक नाम, वहाँ एक काली चट्टान पाई जाती है, यह लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे हम चुंबक कहते हैं। मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण ही इसको हम मैग्नेट कहते हैं, ठीक। यह मैग्नेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक लुक्रेटियस ने किया था। आपसे हमने बताया कि यह प्रकृति में अपने आप उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इस प्राकृतिक चुंबक को हम चुंबक पत्थर भी कहते हैं, लोड स्टोन भी कहते हैं। इसका नाम प्राकृतिक चुंबक, या इसका दूसरा नाम क्या है, चुंबक पत्थर। लोड स्टोन ठीक, इस प्राकृतिक चुंबक को हम चुंबक पत्थर भी कहते हैं, लोड स्टोन कहते हैं। तो किसी स्थान पर यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, किसी स्थान पर हम इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो वह सदैव एक निश्चित दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो एक निश्चित दिशा में ठहरने के कारण इसको हम लीड स्टोन भी कहते हैं। अग्रक पत्थर कहा जाता है, अग्रक पत्थर, लीड स्टोन। तो इसके कई नाम हैं, प्राकृतिक चुंबक, चुंबक पत्थर या अग्रक पत्थर। हमने आपसे कहा कि यदि चुंबक को किसी स्थान पर, किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो वह सदैव एक निश्चित दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इस निश्चित दिशा में ठहरने के कारण इसका नाम अग्रक पत्थर, लीड स्टोन रखा गया। तो आइए चुंबक को अब हम परिभाषित करते हैं। और भी ध्यान दें, वास्तव में यह काली चट्टान लोहे के ऑक्साइड का एक अयस्क होती है। ये लोहे के ऑक्साइड का एक अयस्क होती है, या फिर 304। ये जो काली चट्टान है वास्तव में लोहे के ऑक्साइड का अयस्क है। और इसको कहा जाता है,
ठीक। तो मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण इस अयस्क का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण इस अयस्क का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। ठीक, तो आप इतना पढ़े, फिर से एक बार सुन लें। एशिया माइनर में स्थित मैग्नीशिया, जो कि पश्चिमी तुर्की में है, आजकल इसका नाम मनीषा है, में एक विशेष प्रकार की काली चट्टान पाई जाती है, जिसमें लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इसे हम चुंबक कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। वास्तव में इस मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति इसी मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण ही हुई, और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुक्रेटियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। चूंकि यह काली चट्टान प्रकृति में अपने आप पैदा होती रहती है, इसीलिए हम इसे प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। इस प्राकृतिक चुंबक का एक दूसरा नाम भी है, जिसको चुंबक पत्थर लोड स्टोन कहा जाता है। अभी अभी हमने आपसे चर्चा किया कि यदि हम किसी स्थान पर, किसी बिंदु पर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो वह सदैव एक निश्चित दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो भैया, निश्चित दिशा में ठहरने के कारण इसका एक नाम पड़ गया, अग्रक पत्थर, जिसको अंग्रेजी में लीड स्टोन कहा जाता है। वास्तव में यह काली चट्टान लोहे के ऑक्साइड का एक अयस्क है, और है Fe3O4। ये तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। इस प्रकार आपके इस मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई। आइए, ये मैग्नेट चुंबक को हम परिभाषित करते हैं। यहां पर चुंबक वह पदार्थ है जिसमें लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। यह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह चुंबक को हमने इस प्रकार से परिभाषित किया, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, किसी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्लियर, फिर से इसको समझ लें। चुंबक वह पदार्थ है, मान लीजिए कि यह चुंबक है, तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और किसी बिंदु पर
इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्लियर। अब आइए चुंबकत्व को परिभाषित करते हैं। मैग्नेटिज्म चुंबकत्व चुंबक के भीतर होने वाली परिघटना को कहते हैं। फिर से सुन लें, चुंबक के भीतर होने वाली परिघटना को चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। अतः चुंबकत्व वह गुण है जिसके कारण चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव एक निश्चित दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। फिर से सुन लें, चुंबकत्व वह गुण है जिसके कारण चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। क्लियर हो गए। इस प्रकार आपने चुंबक और चुंबकत्व को परिभाषित किया। अब आइए चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र आप याद कीजिए, आप वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे। वैद्युत क्षेत्र को हम फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई आवेश है, धन आवेश है, ऋण आवेश है, कोई आवेश है, यह ठीक उसी प्रकार है जैसे सेंट की सीसी। याद कीजिए उदाहरण अपना। यदि आप सेंट की सीसी का ढक्कन खोल दें तो सेंट की महक इस सीसी के चारों ओर पूरे कमरे भर में फैल जाएगी। अगर कोई दूसरा आदमी, दूसरा व्यक्ति इधर से गुजरेगा या कमरे के अंदर आना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उसे महकेगा सेंट, तो तुरंत कहेगा कि अरे सेंट महक रहा है, अर्थात उसने सेंट का अनुभव किया। तो ऐसे आपने वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया था। तो किसी एक आवेश या आवेश समुदाय, एक से ज्यादा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र माने ये कमरा, जहां कोई दूसरा आवेश माने दूसरा व्यक्ति आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सही है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक वही स्थिति यहां भी है। यहां भी देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई चुंबकीय ध्रुव
या आप यूं कहिए, पहले हम परिभाषित कर लें, चुंबकीय सुई लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से सुन लें, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय सुई लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, जिससे सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। फिर से सुन लें, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां चुंबकीय सुई लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, ठीक। फिर से सुन लें, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां कोई चुंबकीय सुई लाने पर इस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जो इसे एक निश्चित दिशा में घुमा देता है, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आपने बताया। फिर से एक बार, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां कोई चुंबकीय सुई लाने पर इस पर एक बल आघूर्ण लगता है, जो सुई को एक निश्चित दिशा में घुमा देता है। अब तो क्लियर हो गए, ये चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो गई। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लीजिए कि ये दंड चुंबक है, ये दंड चुंबक का मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो हमने आपसे कहा कि किसी चुंबक के समीप चुंबकीय सुई लाने पर सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। फिर से सुन लें, किसी चुंबक के समीप चुंबकीय सुई लाने पर सुई के दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्लियर हो गए, आइए देखें। इस ढंग से
आप ध्यान दें, चुंबकीय सुई आप अपने लैब में देखेंगे, उसमें सुई में जो तीर का निशान होता है वो सदैव उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। तो जाहिर सी बात है जो दूसरा छोर हो गया वो दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये नोक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ठीक ऐसे नोक उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव, ऐसे नोक उत्तरी ध्रुव और ये दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव, ऐसे ठीक ये होता है। तो हमने आपसे अभी अभी क्या बताया कि किसी चुंबक के समीप चुंबकीय सुई लाने पर सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्लियर? फिर से एक बार, किसी चुंबक के समीप चुंबकीय सुई लाने पर सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्लियर? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने आपसे बताया। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। दरअसल इसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। आइए इसको मिटाएं, इसका क्या नाम है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आप वैद्युत क्षेत्र से इसकी तुलना करते चलिए, हूबहू वही ही है, कोई अलग से नहीं है, इसीलिए आपको हमको लगता है समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की तरह सब कुछ है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण हम लोग पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप जरा
मिलान कीजिए, वहाँ हम वैद्युत बल रेखा कहे थे और यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कह रहे हैं। यहाँ हम वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कह रहे हैं, चुंबकीय बल रेखा नहीं कह रहे हैं। इसका जरा कारण सुनिए, समझिए। वास्तव में यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित नहीं करती हैं, इसीलिए हम इसको चुंबकीय बल रेखा नहीं कहते हैं। फिर समझिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित नहीं करती हैं, इसीलिए हम इसे चुंबकीय बल रेखा नहीं कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। फिर से क्लियर हो लें। चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित नहीं करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित नहीं करती हैं, इसीलिए हम चुंबकीय बल रेखा नहीं कहते, इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, ताकि चुंबकीय बल रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में भ्रम न हो, कोई कन्फ्यूजन न हो। क्लियर है? अब आइए इनके गुण पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, यह चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बाहर बाहर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई चुंबक के अंदर अंदर पुनः उत्तरी ध्रुव में आ जाती है। आप देखिए, यहाँ यह उत्तरी ध्रुव, यह नॉर्थ पोल से निकलकर बाहर बाहर ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और अंदर अंदर पुनः उत्तरी ध्रुव में आ जाती हैं। फिर से सुन लें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बाहर बाहर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई चुंबक के अंदर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव में आ जाती हैं। इस प्रकार ये क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। क्लियर? ये देखिए, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। इनका न कोई आदि है और न अंत है। ये कहां से शुरू हुई, कहां इनका अंत हुआ, ये पता नहीं चल पाता। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, माने जहां से ये प्रारंभ होती हैं वहीं इनका अंत भी होता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं फिर उत्तरी ध्रुव में पहुंच जाती हैं। इसीलिए चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। फिर से समझ लें, चुंबकीय बल रेखाएं, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बाहर बाहर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई फिर चुंबक के अंदर से उत्तरी ध्रुव में पहुंच जाती है। इस प्रकार ये क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। इनका न तो आदि है और न ही अंत, किंतु ऐसा माना जाता है कि जहाँ से ये प्रारंभ होती हैं वहीं पर पुनः पहुँच जाती हैं, वहीं इनका अंत होता है, अर्थात ये उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और उत्तरी ध्रुव पर पहुँच जाती हैं, अर्थात वहीं इनका अंत भी होता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। आप जरा याद कीजिए, वैद्युत बल रेखाएं
बंद वक्र नहीं बनाती हैं, याद कीजिए, आप याद किए होंगे, जबकि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरा, ये बंद वक्र बनाती हैं। आपको हमने पूरा समझा दिया कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बाहर बाहर पुनः दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई चुंबक के भीतर से उत्तरी ध्रुव में पहुंच जाती हैं, अर्थात ये बंद वक्र बनाती हैं। इनका न कोई आदि है और न ही अंत है। ऐसा माना जाता है कि ये जहाँ से प्रारंभ होती हैं वहीं पर इनका अंत भी होता है, वहीं पुनः पहुंच जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव से ये निकलती हैं और पुनः भीतर भीतर उत्तरी ध्रुव में पहुंच जाती हैं। इसीलिए चुंबक के ध्रुवों को अलग करना, पृथक करना संभव नहीं होता है। यहाँ आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। दूसरा गुण, ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक, और आगे चलिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती है। फिर से इसको समझें, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर रेखा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को संख्या ही चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करती है, माने चुंबकीय क्षेत्र का मान बताती है। फिर से समझ लें इस बात को, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर रेखा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताती है। क्लियर हो गए? ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। क्षेत्र रेखाओं के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं
की संख्या ही चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होती है। ठीक है, आपसे कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर रेखा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताती है। क्लियर है? चलिए, ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसीलिए विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये आप वहां भी पढ़े थे वैद्युत में, याद कीजिए, सब हूबहू वही है। वहां भी आप पढ़े थे कि चूंकि वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसीलिए विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। हूबहू वही यहां भी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसीलिए विजातीय ध्रुवों में नॉर्थ पोल साउथ पोल में आकर्षण होता है। क्लियर? चलिए, लिख नहीं रहे हैं आप, समझ जाइए, समय ज्यादा लग रहा है लिखने पर। इसी प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, ऐसे। ठीक, इसमें फ्लैक्चुएशन होता है, ये फैलने का प्रयास करती हैं, इसीलिए सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। वहाँ भी हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, इसीलिए सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। वही यहाँ भी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, फैलती हैं, इसीलिए सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। क्लियर? लिखेंगे नहीं, चलिए आगे पढ़ते चलते हैं। अगला गुण, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ध्यान से समझिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव सामर्थ्य के समानुपाती होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं। ध्यान से सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव सामर्थ्य के अनुक्रमानुपाती होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव सामर्थ्य के अनुक्रमानुपाती होती हैं। ऐसा माना जाता है कि एकांक ध्रुव सामर्थ्य से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या म्यू जीरो होती है। एकांक ध्रुव सामर्थ्य
से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या म्यू जीरो होती है। बढ़िया से ध्यान से सुने, नोट कर लें। एकांक ध्रुव सामर्थ्य से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या म्यू जीरो होती है। एकांक ध्रुव सामर्थ्य से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या म्यू जीरो होती है। इसलिए स्मॉल यम ध्रुव सामर्थ्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या तो यम म्यू जीरो, ठीक। एकांक में म्यू जीरो तो यम ध्रुव सामर्थ्य में यम इंटू म्यू जीरो गुणा हो गया। अब इसी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स बराबर यम म्यू जीरो, चुंबकीय फ्लक्स बराबर यम म्यू जीरो। यम ध्रुव सामर्थ्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और हो गई यम म्यू जीरो। क्लियर है? फिर से समझ लें इस प्रॉपर्टी 5 को। आपसे कहा गया कि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव सामर्थ्य के अनुक्रमानुपाती होती हैं। ऐसा माना जाता है कि एकांक ध्रुव सामर्थ्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या म्यू जीरो होती है, जहां इस म्यू जीरो को हम निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता कहते हैं। बाद में इसकी चर्चा हम करेंगे, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता, परमिबिलिटी या फ्री स्पेस। तो यम ध्रुव सामर्थ्य, देखिए यम ध्रुव सामर्थ्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो यम का और गुणा कर दिए तो यम म्यू जीरो। और परिभाषा के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, यम ध्रुव सामर्थ्य के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? तो ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी देखिए आगे, ये 6वीं प्रॉपर्टी है इसकी, कि चुंबकीय पदार्थ के तल से आने वाली अथवा निकलने वाली ये बल, ये क्षेत्र रेखाएं किसी भी कोण पर आ सकती हैं, निकल सकती हैं। फिर से सुन लें, चुंबकीय पदार्थ के तल से किसी भी कोण पर ये क्षेत्र रेखाएं
आ सकती हैं अथवा निकल सकती हैं। क्लियर, फिर से सुन लें। चुंबकीय पदार्थ के तल से किसी भी कोण पर ये बल रेखाओं का आगमन अथवा निर्गमन हो सकता है। फिर क्लियर करें, चुंबकीय पदार्थ के तल से किसी भी कोण पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आगमन अथवा निर्गमन हो सकता है। क्लियर हो गए, आगे चलिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर भी अंदर भी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये चुंबकीय पदार्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बल रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं। देखिए इधर से निकली और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। ठीक, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ में प्रवेश करती हैं, ऐसे सॉरी ये नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में प्रवेश करेंगी ऐसे, ठीक ऐसे ऐसे, हाँ नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ पोल में प्रवेश करेंगी ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक यही यहाँ भी है। सॉरी ये साउथ में प्रवेश करेंगी ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये क्षेत्र रेखाएं भीतर जाती हैं इनकी वक्रता घटने लगती है, अर्थात ये सीधी होती जाती है, पदार्थ के भीतर ये सीधी होती जाती हैं। क्लियर, तो आपसे कहा गया कि ये क्षेत्र रेखाएं पदार्थ के भीतर भी होती हैं। याद कीजिए, जहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, उदासीन क्षेत्र, जहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है वहां ये क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं। जैसे उदासीन क्षेत्र में दो बराबर व विपरीत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को निष्फल कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, काट देती हैं, वहाँ उदासीन क्षेत्र से एक भी क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं। याद रखिए, उदासीन क्षेत्र पर यदि कोई चुंबकीय सुई रख दी जाए तो किसी भी दिशा में ठहर सकती है। बात हमारी फिर से समझ लें, हमने आपसे कहा कि उदासीन क्षेत्र पर कोई भी क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं, उदासीन क्षेत्र पर दो बराबर व विपरीत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को निष्फल कर देती हैं, काट देती हैं। उदासीन क्षेत्र पर यदि चुंबकीय सुई रखी जाए तो वह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। और अंत में इसकी अंतिम प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी है कि अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। एन आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, अकेले ध्रुव का
कोई अस्तित्व नहीं, होता है ठीक। एन आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपके गॉस का नियम है, अर्थात किसी क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। ये गॉस का नियम है, किसी क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस बी डॉट डी एस इक्वल जीरो, इसे हम गॉस का नियम कहते हैं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, माने गॉस के चुंबकत्व के लिए, चुंबकत्व में गॉस का नियम, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्या नियम है कि किसी तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, माने इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस बी डॉट डी एस इक्वल्स जीरो। तो चलिए इस लेक्चर के तहत इतना ही, आगे कल दूसरे लेक्चर में बताया जाएगा। धन्यवाद।